नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। झांसी की नगर पंचायत कटेरा के चेयरमैन सहित चार लोगों के खिलाफ मारपीट की दर्ज FIR को लेकर फर्जी बताते हुए कटेरा नगर के व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना दिया एवं प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन थानाध्यक्ष कटेरा को दिया। 3 सूत्री ज्ञापन में बताया गया, नगर पंचायत कटेरा अधिशासी अधिकारी द्वारा गौशाला प्रकरण के भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराई जाए, पार्षद मनोरमा देवी के साथ हुए अभद्र व्यवहार का मामला पंजीकृत किया जाए। नगर पंचायत चेयरमैन मधुकर शाह बुंदेला पर लगाया गया आरोप निराधार है, जिसकी निष्पक्ष जांच कराकर प्रकरण निरस्त किया जाए। धरना प्रदर्शन के दौरान पार्षद भूपेंद्र राय, पार्षद विनोद कुमार, पार्षद प्रतिनिधि नीलेश सोनी, रुद्र प्रताप सिंह, व्यापार मंडल के पदाधिकारी सहित लगभग 100 लोग उपस्थित रहे। आज आप लोग तो यहाँ पर धरने पर बैठे, किन मांगों के अंतर्गत आप लोग धरने पर बैठे, क्या समस्या है आपकी? नगर पंचायत कटेरा में अधिशासी अधिकारी द्वारा गौशाला प्रकरण की जांच निष्पक्ष, गौशाला प्रकरण जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और पार्षद के साथ हुए अभद्र व्यवहार पर उसकी प्रकरण पंजीकृत किया जाए और जो है नगर पंचायत चेयरमैन कटेरा पर लगाए गए जो आरोप हैं वो निराधार हैं, उनको निरस्त किया जाए। जो आपके यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं, बार बार यो लोगों ने ज्ञापन दिया जिस पे मुकदमा लिखा गया है, ये आप इस पे क्या कहेंगे? आप लोग ये आरोप गलत है, आरोप गलत है। आप लोग भी कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने आज बाजार बंद किया है जी, ये आप तक का कब तक रहेगा आप लोगों का? आज के लिए, आज जब तक न्याय नहीं होगा, न्याय नहीं होगा आप लोगों के पास न्याय के लिए जी। कौन अधिकारी आप लोगों को ज्ञापन लेने आ रहा है? अभी हम लोग थाना अध्यक्ष को दे रहे हैं यहाँ पे। आज जो आप लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, किन मांगों के अनुसार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? पहली मांग तो हमारी ये है कि नगर पंचायत ईओ द्वारा हमारे चेयरमैन महोदय और पार्षद के साथ जो अवैध व्यवहार किया गया है उनके खिलाफ गैर मुकदमा, झूठा मुकदमा लिखाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा बाजार बंद है। क्योंकि ईओ साहब ने गौशाला में करीबन 4 लाख का गबन किया था, इस बात जिसका विवाद हमारा चेयरमैन साहब से चल रहा है, बड़ा समय हमारे नगर पंचायत के सभी पार्षद ईओ साहब से नाराज चल रहे हैं। ईओ यहाँ मनमानी कर रहा है, इसी के विरोध में जब तक हमारा बाजार बंद रहेगा तब तक हमारे चेयरमैन महोदय के पार्षदों के साथ न्याय नहीं होगा, ये हमारी मांग है। आप लोगों का जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, किन मांगों के अनुसार आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा धरना प्रदर्शन इस आधार के ऊपर है कि जो हमारे नगर के पार्षदगण हैं और जो चेयरमैन हैं, इन्होंने ईओ के खिलाफ में कई बार ये शिकायतें की इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ में, जिससे ये खुन्नस मानने लगे थे और उस खुन्नस मानने के कारण ये इन्होंने इस तरीके का ये प्रचंड रचा है, जिससे इन लोगों ने हमारे जो अभद्रता की थी हमारे एक महिला पार्षद के खिलाफ में, मनोरमा जो पार्षद है यहाँ की वर्मा, उनके खिलाफ में, जिसके पहले भी कई बार ये शिकायतें उच्च अधिकारियों को इनके भ्रष्टाचार की दी गई थी, जिसके ये पेपर मेरे साथ में है और ये मैं आप लोगों पत्रकार महोदय लोगों को ये सब दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर कोई निष्पक्ष जांच बैठा ली जाए, जिससे इनका दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और ये जो यू है इनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें किसका क्या विरोध कर रही है आप? सर, महीनों से नगर पंचायत में काम पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं करते हैं अधिशासी अधिकारी मदन लाल रामबदन यादव, और यदि मैं जाती हूँ ऑफिस में तो मुझे गंदे गंदे आरोप लगाते हैं, गंदे गंदे शब्दों का उपयोग करते हैं। तू कौन है? तू हरिजन समाज से है? तू बड़ा रहे? तू बसुरिया है? तू अपनी औखाद में रहे, औखाद में रहना सीख। कई गंदे शब्द बोलते हैं। एक बार मैं अभी ऑफिस में गई, मैं वहाँ पर बैठी ऑफिस में, मैंने कि सर ये एक गरीब महिला का, हरिजन महिला का राशन कार्ड है, ये बना दीजिए। तो कहने लगे कि आप जानती हो राजनीति में, आपको क्या अनुभव है राजनीति का? मैंने कि सर मुझे जनता ने मुझे प्रतिनिधि बनाया है, मुझे पार्षद बनाया है, तो इसलिए बनाया कि मैं जनता का कुछ कार्य करूं। कहने लगे तू जानती है? कुछ नहीं जानती है तू। और मुझसे बहुत गंदी गालियां देने लगे, बहुत गंदे सर। आपने विरोध किया है कभी? सर किया किसी से आपने? सर की थी अभी 1-2 साल पहले गौशाला की थी शिकायत, कहा था कि तुमने 4 लाख रुपए क्यों खा लिए,
4 लाख रुपए का हिसाब दीजिए। सभी पार्षदों ने कहा था, अध्यक्ष साहब ने भी कहा था कि इसका 4 लाख रुपए का वो दीजिए। नहीं, आपके साथ में जो बदतमीजी हुई है इसकी आपने कहीं शिकायत की है? कटेरा थाने में की मैंने, आवेदन दिया मैंने, कोई कार्रवाई हुई उनके ऊपर? कुछ नहीं की, और उल्टा इल्जाम लगा दिया अध्यक्ष साहब के ऊपर, उल्टा इल्जाम उन्होंने मुकदमा कर दिया। आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, आप हमारी तरफ से कोई नहीं हुई, सुनते ही नहीं हम गए। आप क्या चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, अतिशासी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ा मुकदमा होना चाहिए। उनने गलत फंसाया हमारे अध्यक्ष साहब को, जबकि हमारे अध्यक्ष साहब हमारा पक्ष ले रहे थे। अध्यक्ष साहब बोले कि क्यों अधिशासी साहब, आप ऐसा मत कीजिए नारी के साथ कि आप इतने गंदे शब्द मत बोलिए। सर जो आज इन लोगों ने ज्ञापन दिया है यहाँ पर कटेरा क्षेत्र में, सर इनकी क्या समस्या रही यहाँ पर? इनकी ये समस्या थी कि अभी विगत कुछ दिन पहले नगर पालिका के ईओ अधिशासी अधिकारी द्वारा मधुकर शाह बुंदेला जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ और 3 और नेम्ड अभियुक्तों के खिलाफ इन्होंने मारपीट और गाली गलौज का इन्होंने तहरीर किया, जिसको मुकदमा दर्ज करके जांच निष्पक्ष रूप से इनकी जांच की जा रही है। और ये दोबारा इन लोगों ने ये ज्ञापन इस बात का इन लोगों ने आके दिया कि ये एक महिला के साथ रहियो द्वारा अभद्र व्यवहार और गौशाला में कुछ धांधली के आरोपों को लेकर के ये क्या कहा जाता है अपनी बात को चेयरमैन उठाए, इस बात को लेकर के इन्होंने मनगढ़ंत इन्होंने किया है और उसकी महिला की तरफ से भी आई है, उसकी भी जांच की जा रही है, दोनों तरफ से निष्पक्ष जांच हुई, जो निष्पक्ष होगा वो कार्रवाई की जाएगी। महिला ने भी बयान दिए हैं कि पुलिस प्रशासन ने रात में जाके उनके साथ में अभद्रता की है, सर इसमें क्या कहेंगे? नहीं नहीं, कोई पुलिस प्रशासन कोई जात की जा करके अभद्रता नहीं किया है, कहीं कोई बात नहीं है, ये तो बस अपने उसके लिए दी है, लेकिन जाँच की जा रही है, जो सत्य होगा वो कार्रवाई की जाएगी।